ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट। बहुत कब से प्लान था हम लोग का ये जाने के लिए, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब राइड कर लिए थे, बस तामिनी घाट हमारा बाकी था। तो फाइनली आज वो भी हो जाएगा। आज के व्लॉग में पूरा तामिनी घाट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, पूरा सिनेमेटिक, पूरा फोटोशूट, मोटो ब्लॉग सब होगा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, फुल एंजॉय होगा आपको। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलो इसी गुड नोट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का हमारा प्लानिंग था 6 बजे निकलने का, बट सुबह में बारिश हो रही थी इसके लिए निकलने का मन नहीं हुआ। सब लोग 6 बजे तक मिल गए थे, बट निकलने के लिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा वेट करते क्योंकि ज़्यादा बारिश थी। तो फाइनली अभी 7 बजने आ रहे हैं और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लकीली बारिश भी रुक गई है तो ये एक अच्छी बात है, और क्लाइमेट बहुत सही हो गया है। अभी ये हमको पता है कि हमें आगे जाके तो बारिश मिलेगी वो चलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लाइमेट जो सही हुआ है ना, ओहो ये देखो, तो आज के राइड पे हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, मैं, अक्षय और सागर। हम लोग 3 लोग कंफर्म है हर राइड पे, हम लोग तीनों रहते हैं, कोई आओ नहीं आओ, हम लोग तीनों कंफर्म रहते हैं हर राइड पे। तो आज भी हम तीनों ही जा रहे हैं। सो बेसिकली तामिनी घाट जाने के लिए 2 रूट है, एक हम लोग लोनावाला के साइड से भी जा सकते हैं और गोवा रोड से भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गोवा रोड से आएंगे क्योंकि गोवा रोड बहुत सीनिक रोड है उधर, मतलब व्यू इतना मस्त आता है ना। और लोनावाला हम लोग नॉर्मली मारते रहते हैं तो लोनावाला इसके लिए हम लोगों ने स्किप किया और गोवा रोड से ही जा रहे हैं। पेट्रोल की बत्ती जल चुकी है, मैंने सोचा था तो पहले डाल लूँ, बट बाद में बोला कि है 100-150 किलोमीटर का रेंज था मेरे पास, तो आगे जाके डालना ही सही सोचा मैंने। तो अभी पहले टैंक फुल करते हैं और फिर निकलते हैं। फुल कर दो। आज की राइड टोटल हमारी 300-350 किलोमीटर के अराउंड होने वाली है, और इतना हम लोग वन डे में करने वाले हैं क्योंकि कैसे भी करके वन डे में ही कवर करना है। तो बहुत सारा काम है आज, इतना सब शूट, मोटो ब्लॉग, ट्रैवल सब एक वन डे में करना है, तो करेंगे उसमें कर। जैसे कि मैंने कहा था कि आप कुछ कुछ रोड इतना मस्त है और किधर किधर रोड ही नहीं है, तो ये रहा उसका एग्जांपल। वो लाइन क्या तिर अतिशय सुंदर असा रोड आपल्या समोर आहे आणि आम्ही त्याच्यावरनं बाईक चालवतोय, आयुष्य खूप सुंदर आहे, फक्त ब्रेकर नसायला पाहिजेत, सॉरी फक्त खड्डे नसायला पाहिजेत रस्त्यात। तो अभी हम लोग आ गए वाखन, और अभी रोड अच्छा मिलेगा, अभी रोड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सीनिक रोड मिलेगा अभी। गाइस इधर पानी कितना बढ़ गया देखो, लास्ट टाइम जब हम लोग देवकुंड आए थे ना तब इतना पानी नहीं था, मगर अभी बहुत बढ़ गया, इसका मतलब देवकुंड में भी पानी बहुत बढ़ गया रहेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा देवकुंड वाला ब्लॉग नहीं देखा रहेगा तो इधर आई बटन में आ रहा रहेगा ब्लॉग, आप लोग उधर क्लिक करके डायरेक्ट देवकुंड वाला ब्लॉग भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए सेम रूट है, बस राइट लेफ्ट करना है। मैं आप लोग को बताऊँगा किधर से जाने के बाद देवकुंड आते हैं और किधर से तामिनी। वैसे अभी हम लोग आ गए पाली, अभी बस इधर से एक टर्न वगैरह देखना है और फिर हम लोग तामिनी घाट का रोड करेंगे। तो नाश्ता वगैरह करके हो गया अभी, और बारिश भी रुक गया तो निकल रहे हैं। वो नाश्ता करने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस गरम गरम वड़ा पाव, चाय, सॉर्टेड। तो गाइस इधर से याद रखो, इधर से जाओगे ना, इधर से देवकुंड आता है और तामिनी के लिए इधर जाना है कोलाड रोड पे, वो प्लेस याद रखना, इधर से डाइवर्जन है, इधर राइट साइड में तामिनी घाट और लेफ्ट साइड में देवकुंड, क्योंकि इधर मैप वगैरह काम नहीं करता, रेंज नहीं रहती है इधर, इसके लिए याद रखो। यहाँ पर साइन बोर्ड लगा है कोलाड का, तो कोलाड साइड ही जाना है।
अपना इधर से किधर मुंशी पुणे का अब इधर फिर से पूछना पड़ेगा किसी को। अरे तो तामिनी घाट ला है रोड सरल ना। सो फाइनली अभी जाके थोड़ा बारिश रुक गई है और घाट बहुत सही है, यही है मैंने तामिनी घाट पे ही है। हेवन फुल फाइनली वी आर एट तामिनी घाट और ये देखो हेवन। सीरियसली यार सीरियसली जन्नत प्लेस है एक नंबर। ओ वाव यार वाव तो गाइस अभी हम तो इधर रुके थे, वाटरफॉल आप देख सकते हो इधर। हम लोग इधर आगे जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सिनेमेटिक वगैरह निकालेंगे। तो इधर ऊपर जाके देखते हैं अभी कहाँ से लेकर। यार व्यू आ रहा है इधर से यार, गॉगल हाँ चल। गाइस व्यू देखो यार, आई डोंट थिंक सो क्या कैमरा उसको जस्टिफाई कर रहा होगा। शूट थोड़ा देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत गंदी आई है और इधर रुकने के लिए जगह भी नहीं। ये थार के नीचे रुके हैं हम लोग और बहुत सही सिनेमैटिक शूट हो रहा था बट बारिश ने पूरा हालत कर दिया। तो अभी रुकने का वेट करते हैं और नीचे निकल देंगे कभी भीग गए तो भाई सब जा बाइक रेनकोट सब नीचे ही है तो नीचे ही निकलेंगे अभी। ऑल राइट सो अभी नीचे जाने का चालू है हमारा और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है और इधर रुक भी नहीं सकते क्योंकि पानी बढ़ रहा है इधर देख सकते हो। तो इट्स तो नीचे आके हो गया, अभी और भी पॉइंट एक्सप्लोर करने तो फटाफट उधर ही निकल रहे हैं। हाँ क्या यार थोड़ा टाइम के लिए बारिश आई पूरा भीगा थी बट कोई नहीं, प्लेस बहुत सही था। ऊपर जाके हमारी हालत तो हुई मगर जो व्यू देखने मिला ना यार बहुत सही व्यू था, बहुत सही मतलब बोलते ना बहुत लगा मेरे इतना ऊपर जाना। बस थोड़ी देर बारिश और नहीं आती ना तो और अच्छा खासा सिनेमेटिक शूट कर सकता था मैं उधर बट चलो कोई नहीं। इतने बोलते ना इतने सारे वाटरफॉल्स है इधर क्या ही बात करूँ। और ये वाला तो पूरा मार्शेस से मार्शेस वाला सीन लग रहा है ये। वाओ ओहो सेम ये तो सेम मार्शेस जैसा था, क्या सही व्यू आगे देखो फॉग एक नंबर यार। तो चलो नाश्ता वगैरह करके हो गया, हाँ निकलने का मन ही नहीं कर रहा था यार इतना ठंडा क्लाइमेट हो गया, अभी लिटरली ठंड लग रही है। इतना जोर से बारिश आया था ना अभी
और पूरा फॉग क्लियर करके गया। वाओ, थोड़ा बाकी और। ओ शिट, ये वॉटरफॉल तो देखो, पानी का डेंजर बढ़ गया। बता, फोन बता। ऑलराइट, सो ये देखो वॉटरफॉल का पानी नीचे से रोड तक आ रहा है। सही यार, सही। मतलब इतना मेहनत, इतना तकलीफ के बाद भाई वर्थ इट है। तो गाइस ये व्यू देखो, क्या डेंजर वाला पानी है। और ये पानी इधर से इधर निकल रहा है, ये देखो। हमारी क्या सही लग रही है। और ये व्यू तो क्या ही लग रहा है यार। चलो चलो चलो, अभी और एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी जल्दी कुंडली का वैली जाना ही है अभी। तो गाइस ये याद रखना, इधर होटल जय मल्हार, इधर से हमें अंदर जाना है कुंडली का के लिए। इधर से 2.5 या 3 किलोमीटर से अंदर बस, और कुंडली का वैली आ जाएगा। तो ये टर्न याद रखना, क्योंकि आओगे तो फॉग वगैरह रहेगा ना, तो ये दिखेगा नहीं। बाकी अभी तो थोड़ा फॉग क्लियर हो गया। बहुत बड़ी राइड हो गई यार, बहुत बड़ी। दो बज गया, याद रखना। इधर लेफ्ट साइड में आश्रम लगता है, और आश्रम से बस 5 मिनट की दूरी पे कुंडली का वैली है। ऑलमोस्ट, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही टफ हम लोग ने राइड किया है। हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना टफ रहेगा। बारिश, फॉग, खराब रोड, ये आश्रम याद रखना, एराटिक योगा आश्रम, इससे 5 मिनट के आगे। क्योंकि इधर कोई साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है इधर, हम लोग भी सब पूछ पूछ के ही आ रहे हैं इधर तक। वी आर एट कुंडलिका वैली, और मैं बाइक अंदर लेके जाने का रास्ता देख रहा हूँ, जो दिख तो नहीं रहा है। फाइनली पूरा एंड तक बाइक लेके जाऊंगा मैं तो। फाइनली अभी मैं आप लोग को जो सिनेमैटिक्स और व्यू जो दिखाऊंगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो अब मैं आप लोग को मोटो ब्लॉग के सेटअप से निकलता हूँ, और ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ। Few moments later. और अभी जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ GoPro से कर रहा हूँ, पहले कैमरे से कर रहा था, बट अभी वो यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा वॉइस एकदम स्पॉइल हो जाएगा। काफ़ी बारिश आ रही है ना, लिटरली मतलब हालत हो रही है अभी। ब्लॉगिंग अभी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इसमें बाइक आया तो प्रॉब्लम
अभी कुछ ना सही से कुछ सही तो करना पड़ेगा, ब्लॉग आ रहे हैं तो नहीं कर सकता था। और अभी देखेंगे अगर बारिश रुकी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें निकलना ही पड़ेगा इधर से, क्योंकि मेरे को यार ये कुंडली का वैली का वो स्पॉट है उधर मेरे को फ़ोटो निकालना था यार इतना मस्त, मगर बारिश ने सब स्पॉइल कर दिया। लेट्स सी क्या होता है।